सोने की आलमी कीमत में 7 डॉलर की कमी भी मुल्क की कीमत को बढ़ने से ना रोक सकी। डॉलर की उड़ान का बराह रास्त असर सराफा बाजार में भी देखने में आया। पिशावर में 1 तोला 3,000 रुपये के इजाफे के बाद सोना 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। ज्वेलर डीलर्स का कहना है कि हुकूमत की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मार्केट बिल्कुल ठप हो गया है। गैर यकीनी सूरत हाल है, जब गैर यकीनी सूरत हाल है तो इन्वेस्टर और ये जो कारोबारी लोग हैं वो डर जाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते कहीं किसी कारोबार में, तो जिससे बेरोजगारी और महंगाई की में इजाफा होता है। डॉलर एक दिन में 10 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया और रुपया 8% सस्ता हुआ है। बिरूनी कर्जों में 902 अरब रुपये का इजाफा हुआ। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत से तब्दीली की तवक्कुआत रखते थे लेकिन उन्होंने आवाम की चीखें निकाल दी। अल्लाह के लिए मदीना और मक्के जा रहे हो, खुदा के लिए आवाम का सोचे। ये क्या बात हो गई कि तुम लोगों के साथ कहते ये चोर है और ये डाकू है, डाकू की हुकूमत में हम खुश थे। IMF प्रोग्राम में बाकायदा दरख्वास्त देने से पहले ही हुकूमत ने फंड की शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। इतलात है कि IMF ने रुपये की कदर में 15% कमी का मुतालबा किया था। डॉलर की कदर में आज होने वाली कमी 8% है। कैमरामैन इजाज़ जॉर्ज और जुल्कर नैन के साथ शाहीन अफरीदी, जी न्यूज़, पिशावर।